चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको कि अटल प्रोग्रेस वे भी कहते हैं, इसे अटल प्रगति पथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये वाला एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, लेकिन ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानेंगे, कहाँ बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ये कितने राज्यों को आपस में जोड़ेगा, किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, किन किन लोगों को इससे फायदा होगा, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, भूमि अधिग्रहण का कितना काम हो चुका है, ये कब तक बनकर के तैयार होगा, इससे भारत के ग्रोथ में क्या फायदा होगा। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल 5 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, अटल प्रोग्रेसवे मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि 6 लेन का होने वाला है। ये 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इसका DPR रिपोर्ट भी तैयार कर लिया है और अब इसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आइए सबसे पहले आपको चंबल एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में बताते हैं। गाइस, प्रस्तावित अटल प्रोग्रेसवे चंबल नदी के किनारे बनाया जा रहा है, यही कारण है कि इसे चंबल एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 408 किलोमीटर होगी, जिसमें से 309 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से गुजरेगा, यानी कि लगभग 90-80% का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से ही गुजरने वाला है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफी महत्वाकांक्षी बोला जा रहा है। इसका 17 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा और 78 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही खास है, इसलिए इसका बजट भी काफी ज्यादा है। इसको तैयार करने में 23,645 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। हो सकता है कि आगे जाकर के ये बढ़ जाए, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला है। अटल प्रोग्रेसवे उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होगा, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना से होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और सयोपुर जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादक केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटी, रिसोर्ट, शिक्षा केंद्र और अन्य सुविधाएं बनाई जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हो कि यह पूरी तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जिसके आगे नए सिरे से कई सारे चीजों को विकसित किया जाएगा। जिनमें किसानों का जमीन जाएगा, उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन जिनका जमीन नहीं जा रहा है बट उनका जमीन आसपास के इलाकों में बसा हुआ है, तो उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा। वो सारे इलाके चमकने वाले हैं। टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा इलाका चमक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कृषि के इंडस्ट्री को खोला जाएगा। इससे इन इलाकों में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। आपको बता देगा इसकी इस वाले परियोजना से 3 राज्यों के 200 से अधिक गाँव को बड़ा लाभ मिलेगा। अटल प्रोग्रेसवे पहले 4 लेन का बनाया जाएगा। जब इस एक्सप्रेसवे पर यातायात काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो फ्यूचर में इसे 6 लेन कर दिया जाएगा। ये वाला एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे किनारे चलेगा। अगर इसके रूट मैप की बात करें, तो यह एक्सप्रेसवे कोटा जिले के सिमलिया गांव से शुरू होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज करेगा। यानी कि इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो जाओगे, यानी कि इससे कनेक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। मध्य प्रदेश में ये वाला एक्सप्रेसवे 313 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे को आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना में एक इंटरचेंज को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह सयोपुर जिले के सयोपुर, मुरैना जिले के सब्बलगढ़, इसके अलावा मुरैना जिले के मुरैना और भिंड जिले के भिंड, इन जगहों से होकर के गुजरेगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर इटावा जिले के ननावा गांव से होकर के गुजरेगा, जहां से एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक स्पर बनाया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में 23 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कई सबको बता दें कि अभी हाल ही में कई खबरों के अकॉर्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को अटल प्रोग्रेसवे यानी कि चंबल एक्सप्रेसवे को बनाने की अनुमति दे दी है। चंबल घाटी को इको सेंसिटिव एरिया बनने से रोकने के लिए रूट में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि ये वाला एक्सप्रेसवे 8 नहीं बल्कि 10 नदियों से होकर के गुजरेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नदियों वाला एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि ये अब 8 नहीं 10 नदियों से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर रूट में भी बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण में और ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि क्या हुआ था कि जब इस वाले एक्सप्रेसवे को पास किया गया था, तो इसका 75% जमीन सरकारी जमीन से होकर गुजर रहा था, लेकिन अब ये करीब 90% जमीन निजी खेतों से होकर गुजरेगा। यानी कि किसानों के खेतों से होकर गुजरेगा। अब किसान से जमीन को खरीदना है तो टाइम लगेगा, कोई किसान जमीन देना चाहेगा, कोई नहीं देना चाहेगा, बहुत तरह की बात है। तो लैंड एक्वायरेशन में टाइम लगता ही लगता है। जून 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया था। ये प्रोजेक्ट कूनो राष्ट्रीय उद्यान के एक छोटे से हिस्से से गुजरेगा।
और वहाँ पर भी इनको मंजूरी मिल गई है। वहाँ पर भी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। NHAI ने परियोजना के निर्माण के लिए दिसंबर 2022 में निविदा जारी की थी। मार्च 2023 में इस वाले प्रोजेक्ट के पहले दो पैकेज के लिए 16 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चूंकि इस वाले एक्सरसाइज को अलग अलग पैकेज में बनाया जाएगा तो अलग अलग पैकेज का काम अलग अलग कंपनियों को सौंपा जाएगा। ऐसा करने से घोटाला कम होता है क्योंकि हम लोग इसे पैकेज में बांट देते हैं। अगर किसी पैकेज में काम खराब होता है, सड़क जल्दी खराब हो जाती है, तो उसका जाँच किया जाता है कि इस वाले पैकेज को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर वो कंपनी घोटाला करती है तो आगे से भारत सरकार उसको कोई भी प्रोजेक्ट का पैकेज नहीं देने वाली है और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए भारत में अब जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसको अलग अलग पैकेज में बनाया जा रहा है ताकि घोटाला कम से कम हो और कंस्ट्रक्शन जल्दी बनकर के तैयार हो। अब अगर इस वाले एक्सप्रेसवे के लाभ की बात करें तो गाइस इसका सबसे पहला लाभ यह है कि ये पूरी तरह से सुसज्जित 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में यातायात घनत्व को देखते हुए। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि अटल प्रोग्रेसवे में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली लगा होगा। इसमें आपातकालीन कूलिंग बूथ, CCTV कैमरा, इसके अलावा ईंधन स्टेशन भी मौजूद होंगे। एक्सप्रेसवे पर खाद्य दुकानें, चिकित्सा देखभाल केंद्र और शौचालय को भी बनाया जाएगा। गाइस आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे से बिल्कुल अलग होता है। एक्सप्रेसवे और हाईवे, नेशनल हाईवे में क्या फर्क होता है इसको अगर आपको जानना है तो आपको एक बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जरूर जाना चाहिए, या फिर आप दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे का भी रूट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि एक नेशनल हाईवे और एक एक्सप्रेसवे में क्या फर्क होता है, ये कितना खास होता है। इसलिए ये जिन भी गांव से गुजरेगा उन गांवों के बल्ले बल्ले होने वाली है। एक्सप्रेसवे होता है, इसका अपना अलग रूल होता है। तो चंबल एक्सप्रेसवे बहुत ही खास एक्सप्रेसवे होने वाला है, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरेगा। यहां पर लोग अपने गाड़ियों को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा पाएंगे। एक्सप्रेसवे पर स्पीड कैमरा लगाया जाएगा जो वाहनों पर नजर रखेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से कई शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ये वाला एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के रास्ते से कोटा से कानपुर तक यात्रा करने के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे कि विभिन्न शहरों के बीच में यात्रा का जो समय है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अटल प्रोग्रेसवे की वजह से मध्य प्रदेश के चंबल जिलों में औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। इसमें लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जाएगा जिससे कि आसपास के जिलों और क्षेत्रों में काम के अपार अवसर मिलेंगे। तो गाइस ये था चंबल एक्सप्रेसवे जिसका कि अभी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जब भूमि अधिग्रहण का काम हो जाएगा, किसानों को उनका मुआवजा मिल जाएगा, उसके बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है। देश में सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए ये वाला एक्सप्रेसवे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2027 तक इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाकर के तैयार कर लिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, ये वाला एक्सप्रेसवे कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है, भूमि अधिग्रहण का काम कहाँ कहाँ पर हो गया, कब तक पूरा हो जाएगा, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप हमारे वीडियो को कौन से इलाके से देख रहे हो, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव से कौन सा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।